हाँ, अब मैंने चौधरी का मिस काट दिया, अब चौधरी को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। चौधरी साहब, मैंने सारी भैंसों को पानी पिला दिया, लेकिन एक भैंस वो पानी नहीं पी रही, मुझे लगता है वो बीमार है, अब हमें डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। क्या भैंस ने पानी नहीं पिया? चलो फिर मुझे भैंस दिखाओ, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। अरे चौधरी साहब रुक जाओ, ये क्या हुआ? आपकी तो पीछे से कमीज कटी हुई है। ये किस कम वक्त ने मेरी कमीज काट लिया, तो व्यापारी भी आने वाला होगा। चौधरी साहब परेशान ना हो, एक काम करते, घर जाकर दूसरी कमीज पहन लेते हैं, तब तक लता व्यापारी भी आ जाएगा। चलो चलो। अबे आजा आजा जल्दी आ जल्दी आ, चौधरी चला गया, आजा। हाँ अब तो मेरी बात सुन, अब मैं बनने लगा हूँ चौधरी, तुम अपने एक्टिंग पूरी करना, आ जा। ये अपनी टोपी उतारो, ये पटका पहन लो, ऐसे होते हैं चौधरी। वो देख वो लद्दा व्यापारी आ गया है। हाँ ठीक है तो चुप करके बैठ, अपने हक ने पूरी करना। हा? मुझे लगता है यही चौधरी होगा, इसके पास चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। हाँ जी लद्दा व्यापारी तुम हो? हाँ मैं हूँ व्यापारी, मुझे जल्दी से वो बैल दिखा दो जो आपने बेचना है, मैंने फिर मंडी से और जानवर भी लेने जाना है। हाँ ठीक है मुझे लगता है अब हमारा मिशन कामयाब हो जाएगा। हाँ ठीक है मुंशी आ जाए, इसको अपना बैल दिखाते हैं। चौधरी साहब ठीक है चलो। हाँ जी लता व्यापारी, मैंने ये वाला बैल बेचना है। हाँ अच्छा बैल है, इसकी कीमत बताओ मुझे। इसकी कीमत 3 लाख है। हाँ इसमें पूरे पैसे हैं, ले जाओ। गिन लूं? हाँ ठीक है, ये पैसे ले और चलें। हाँ ठीक है चौधरी साहब चलो। अरे चौधरी साहब, ये तो वही लता व्यापारी है, ये हमारे बैल के साथ क्या कर रहा है? हाँ यार ये तो हमारी गैर मौजूदगी में बैल खोल रहा है, चलो इसको पकड़ते हैं। अब लद्दे व्यापारी को ना पूरा 3 लाख का चूना लगाया है, अब चलते हैं। अरे व्यापारी रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? मैंने अभी ये बैल चौधरी से खरीदा है, तुम दोनों कौन हो? अरे पागल हो गए, कौन सा चौधरी, आपने किस चौधरी से बैल ये खरीदा है? चौधरी साहब तो ये खड़े हैं। चलो दफा हो जाओ। चलो जाओ। मैंने किसको पैसे दिए? मुझे लगता है वो फ्रॉडिया थे, मुझे 3 लाख का चूना लगा गया है।